पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है? लेकिन पहला वाला भी आचरण वाला नहीं है कि ओम का निरंतर स्मरण। कैसे करोगे ये आचरण? ये आचरण कैसे हो सकता है? किसका स्मरण? किसका स्मरण? ओम क्या है? मैं तुमसे कहूं किसी चित्र का स्मरण करो, तुम कर सकते हो। मैं तुमसे कहूं किसी व्यक्ति का स्मरण करो, तुम कर सकते हो। कहूं किसी गीत का स्मरण करो तो तुम कर सकते हो। अनहद का स्मरण कैसे करोगे? ओम अनहद है। ओम कोई शब्द तो नहीं है ना कि जिसका कोई अर्थ हो। ओम अनहद है। ओम का मतलब है मौन। कोई आवाज थोड़ी है ओम की, ओम ये कोई आवाज नहीं है। तो ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। मौन में स्थापित रहना, शून्य में स्थापित रहना, यही ध्यान है। ध्यान वो सब नहीं है कि कोई बैठ करके आसन जमा रहा है और फिर ये कर रहा है और ये प्रक्रिया और वैसी विधि, इसको नहीं कहते हैं ध्यान। ये नहीं है ध्यान। लगातार वहीं स्थापित रहना ही ध्यान है। लगातार वहीं स्थापित रहना ही ध्यान है। उसके बाद चाहे तुम जो करो, आचरण तुम्हारा कुछ भी हो चलेगा, स्थापित वहीं रहो निरंतर। जो ये निरंतर शब्द है ना, ये बड़ा कीमती है। लगातार वहां रहो, उसके बाद जो करते हो करो। ये तुम चिंता ही छोड़ो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। तुम तो बस ये देखो कि कहीं वियोग न हो। सेपरेशन वो ना हो, उसके बाद तुम जो भी करो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम का निरंतर स्मरण मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि वियोग में रहूं, कभी भी ऐसा ना हो कि उससे अलग रहूं, लगातार जुड़ा हुआ हूं, लगातार समाधिस्थ हूं। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम। सारे कर्मों के कारण की समाप्ति आवाहन है। कर्मों के कारण होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। अकर्म का कोई कारण नहीं होता। जिसका कारण है वो किस में आ गया? वहां कारण होते हैं। जैसे मशीन कुछ भी करे तो उसका एक कारण है। तो ये भी भूल जाओ कि सब कर्मों के कारण की समाप्ति, मैं कह रहा हूं कारण मात्र की समाप्ति। कारण का अर्थ है समय। कारण का अर्थ है कि चेतना नहीं है, जड़ता के नियमों से काम चल रहा है कि गेंद ऊपर उछली तो नीचे आएगी। अकारण होना बहुत जरूरी है। बेवजह वो जो कुछ करता है, अस्तित्व में जो कुछ होता है बेवजह ही होता है। कोई वजह बता दो कि एक कीड़ा इतना बड़ा हो और एक इतना छोटा हो। कोई वजह बता दो कि ये पेड़ यूं सीधा सीधा लंबा खड़ा है और उसी का पड़ोसी पेड़ बिल्कुल दूसरे आकार का है। प्रेम की कोई वजह बता दो। कोई क्यों मौज में है इसकी वजह बता दो।
और अगर वजह बता पा रहे हो तो वो मौज वजह के हटते ही हट जाएगी। प्रेम की भी यदि वजह बता पा रहे हो तो वजह के हटते ही प्रेम भी हट जाएगा। जो कुछ कीमती है वो अकारण है। दूसरा सूत्र अकारण का आवाहन है। दूसरा सूत्र है इसमें अकारण को पूजा गया है। ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे कारण हमारे मन की ही उपज है। बिल्कुल, मन कारणों पे चलता है। लेकिन याद रखना जो प्रथम है वो स्वयं ही अकारण है। कारण मतलब उसके पीछे कुछ होना चाहिए जिससे वो निकल के आ रहा है। जो परम है वो तो प्रथम है, उसका अपना कोई कारण नहीं है। तो जब तुम उससे मिल जाते हो तो तुम्हारा भी कोई कारण बचता नहीं, तुम बड़े अकारण हो जाते हो, बड़े बेवजह हो जाते हो, दुनिया की नजरों में बड़े फिजूल हो जाते हो। क्योंकि तुम सारे काम ही ऐसे करते हो जिनका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं पता चलता, कोई कारण ही नहीं पता चलता कि तू कर क्यों रहा है। और ऐसा नहीं कि शब्दों की कमी है, कोई कारण है ही नहीं तो बताएं कैसे। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि कारण हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बहुत उत्तम कारण है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि कारण नहीं भी है तो क्या हो गया। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बेहतरीन वजह है कुछ करने की। हम कह रहे हैं वजह नहीं भी है तो क्या हो गया, बिना वजह कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ये कीड़े आवाज कर रहे हैं, क्या वजह है। ये बड़ा कैसे बोलूं इसको, बहुत बहादुरी का आमंत्रण है ये कि जरा बेवजह होके दिखाओ। और बेवजह तुम हो नहीं पाओगे जब तक वो जो परम बेवजह है उसके साथ एक नहीं हो जाते। बेवजह होने का स्रोत वही है। अब क्यों क्यों ये झांक रही है और क्यों इसको उत्सुकता है और क्यों ये बिल्ली यहां आकर के, क्या वजह क्या दोगे। पानी खौलाया, पानी गर्म हो गया, वजह है क्या। वजह है खौलाया तो गर्म हो गया। इन बातों की वजहें होती हैं, पर जो असली जो सत ही है, जो सार ही है, उसकी कोई वजह नहीं पाओगे। और जो आदमी वजहों पे चलता हो बड़ा गरीब आदमी है वो। मैं फिर कह रहा हूं, हिम्मत है तो बेवजह जियो ना। अच्छा, पकड़ के रखने की वजह तो हमेशा होती है। पकड़ के रखने की क्या वजह होती है, कि कुछ मिला हमें चाहिए था। समर्पण की क्या वजह बताओगे। समर्पण की क्या वजह बताओगे, बोलो। गए थे और छोड़ आए, क्या वजह बताओगे। करके दिखाओ, पर जब बोलता हूं तो थोड़ी सी आशंका उठती है। मैं तो कह दूं कि बेवजह करके दिखाओ और तुम बेवजह का पता नहीं क्या अर्थ निकालो।
तुम ऐसे काम कर डालो जिनकी वजहें हैं पर तुम्हें पता नहीं है, और तुम कहोगे बेवजह कर रहे हैं। कोई जाके पहाड़ी पे चढ़ गया, कोई नदी में कूद रहा है, कोई दो हैं वो गायब है दिन भर, कहें आप ही ने तो कहा था कि बेवजह। नहीं, बेवजह नहीं है, वो तुम्हारी खुजली है, उसकी वजह तुम्हारी खुजली है, उसकी वजह है, तुम्हें पता नहीं है। पूर्णतया बेवजह हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है, वो बिल्कुल दूसरी चीज है। वही है जिसको कबीर कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली, वो सहज समाधि है। और वही फिर निष्काम कर्म भी है, तुम कुछ करते भी हो तो उसकी वजह भी होती है, और उसकी वजह से तुम कुछ पाना भी चाहते हो, ये भी समझना। निष्काम का अर्थ ये, जब मैं कह रहा हूं कि जो भी करो वो अकारण हो, तो बात दोनों तरफ जाती है। एक तो अकारण ऐसे हो कि उसके पीछे कोई कारण ना हो, और दूसरा वो अकारण ऐसे हो कि उसके आगे कोई कारण ना हो। पीछे का कारण उसकी उत्पत्ति का कारण होता है, आगे का कारण उसके फल का कारण होता है। पीछे का कारण उसकी उत्पत्ति का कारण है कि क्यों किया, और आगे का कारण यह है कि क्या पाने के लिए किया। बात समझ रहे हो ना? दोनों ही वजहें हैं। एक वजह यह है कि अतीत की ओर से देख रहे हो, और दूसरा यह है कि क्या पाने के लिए किया। तो निष्कामता है इसमें कि कुछ पाने के लिए नहीं किया, भविष्य की ओर देख ही नहीं रहे थे। कारण की आहुति दे दो, चढ़ गए उतर भी गए, वहां पे डर नहीं था कि कोई आ जाएगा जानवर, क्योंकि पता था इस झटके में मारेगा खा के किनारे कर देगा। और अभी जैसे वो छोटा सा कीड़ा पैर में चिपका, बेटा अगर वास्तव में वहां खड़ा होता ना जानवर, तो नहीं दे पाती ये तर्क कि एक झटके में मार के खत्म कर देगा। वही हम कह रहे, अभी वही छोटा सा बिल्कुल लग गया पैर में, तो कितनी जोर से चिल्लाए, जो खून निकली। हाँ, हाँ, तो वहां कारण था, एक तरह की उत्तेजना मिलती है, ये उद्दीपन है, टिटिलेशन है। टिटिलेशन यही नहीं होता कि काम वासना में, ये सब भी बड़ा टिटिलेशन है। हाँ, कारण है, उसको अकारण मत समझ लेना। कोई नहीं चढ़ रहा उसके पास भी कारण है, उसे डर लगता है। कोई चढ़ रहा है उसके पास भी कारण है, उसे रोमांच मिलता है। चैलेंज, अकारण बिल्कुल अलग चीज है। अकारण ऐसा होगा कि तुम्हें ही नहीं पता होगा कि अकारण है, अकारण है। अकारण का कोई बिहेवियर, क्या उदाहरण दिया जाए, ना रहा कि वो क्या कर रहा होगा, ना चढ़ रहा होगा ना क्या कर रहा है, तो बड़ा फिर अच्छा है ना, कुछ भी करो और बोलो कि अकारण था, तो किस कारण किया, अकारण, तो अकारण कारण है। बहुत बढ़िया, कारण कि एक नई कोटि खोजी गई है, अकारण। सर अभी आपने बताया कि जैसे इंसेक्ट्स हैं, दे आर मेकिंग दिस नॉइस, तो बट इस बात को कैसे छोड़ दें कि हमने बताया कि पढ़ा भी है साइंस में, व्हाई डू दे मेक दिस नॉइस। चलो कर लो, आज एक कुत्ते और एक बिल्ली को खेलते देखा, कारण समझाओ। कुत्ता खा सकता है उसको, और कुत्तों ने बिल्लियों को खूब मारा है, कारण समझाओ।
और फिर जब तुम कारण खोजते हो, निश्चित रूप से तुम कारण खोज सकते हो। तुम कहोगे कि पहाड़ी इलाका है, पेड़ लंबा इसलिए होता है ताकि रोशनी अधिक से अधिक पा सके। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी रोशनी की संभावना उतनी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों और रोशनी चाहिए? क्यों और रोशनी चाहिए? उसका कारण खोजो, फिर उसका भी खोजो, फिर उसका भी खोजो, अंततः पहुंचोगे तो अकारण पर ही। कारण कहां तक खींचोगे? तो जब अंततः अकारण पर ही पहुंचना है तो एक झटके में ही पहुंच जाओ ना, एक झटके में ही पहुंच जाओ। कारण की सबसे बड़ी सीमा ही यही है कि वो खींच नहीं सकता। 5 कदम 7 कदम 15 कदम बाद वो हाथ खड़े कर देगा कि अब आगे कारण हमें नहीं पता। तो जब अंत में अकारण ही बैठा है तो शुरू में ही अकारण हो जाओ। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि चलो ठीक है, हमने तो मान लिया कि हम अकारण कुछ भी करेंगे, लेकिन वो तो कारण से निकल के आ रहा है। अरे भाई, ये चेतावनी है कि जब अकारण की बात करो तो सजग रहना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कारण है पर हम नहीं जान सकते। बिल्कुल है, तभी कह रहा हूँ सजग रहना। अकारण है, जो भी है। नहीं, अगर कारण है जिसे तुम नहीं जान सकते तो हमारे लिए अकारण, तो अकारण ही है। वही आराम कह रहे थे इसके लिए सजग रहना, तो सजग कैसे रहेंगे कि हम तो कन्विंस रहेंगे कि तो कारण है। तुम नहीं जान सकते, मतलब तुम नहीं, मन ही नहीं जान सकता। वो जानने की सीमा से बाहर है, अज्ञेय है, अनोएबल है। तो हो गया खत्म बात। ऐसा नहीं कि तुम्हें अभी उसका नॉलेज नहीं है और कोशिश करो तो जान जाओगे। वो अज्ञेय है। तीसरा सूत्र क्या है? निश्चलम ज्ञानम आसनम। उस ज्ञान के साथ संबंध बनाओ, उस ज्ञान के पास बैठो जो बाहरी नहीं है। चलायमान ज्ञान वो जो मिला, जो मिला है ज्ञान वो किसी न किसी अवस्था में आकर के तुम ठुकराओगे भी। निश्चल ज्ञान वो जो कहीं से आया नहीं, कहीं को जाएगा नहीं। निश्चल ज्ञान ही आसन है, बस उसी को अपना मानो, उसमें बैठो। बाहर से जो भी ज्ञान मिला है उसके साथ अगर जुड़ोगे उसके साथ रहो, वहीं पे स्थित रहो। निश्चल ज्ञान अपने आप, अपने आप। निश्चल ज्ञान का अर्थ होता है वो जो कोई तुम्हें बता नहीं सकता, जो तुमने जान ही लिया, बस कैसे जान लिया तुम नहीं बता पाओगे, कैसे जान लिया ये समझा नहीं पाओगे, वो निश्चल ज्ञान है। आया नहीं है कहीं से, किसी ने दिया नहीं है। आसन का मतलब उसने कदा इसके दोनों। कहने वाला कह रहा है कि तुम ये क्या दरी चटाई बिछाते हो आसन के लिए, जो पूजा करने बैठते हैं तो आसन बिछाया जाता है ना, तो कह रहा है ये बेकार के काम है कि आसन बिछा रहे हो फिर उस पर बैठ रहे हो। कह रहे हो ये आसन बेकार, असली आसन है निश्चल ज्ञान। इस आसन पर तो बैठते हो और उठ जाते हो, वहां ऐसा बैठो कि कभी उठो ही ना। मन बहता तो है ही है, मन को किसी ना किसी दिशा जाना है, या तो राम को भेज दो या काम को भेज दो, या तो सहस्रार को भेज दो या मूलाधार को भेज दो। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो अड्डा बनाएगा।
अब देख लो कि अड्डा वो किधर को बना रहा है। कहाँ अड्डा बना रखा है मन ने? कहाँ बसते हो? जब कोई पूछे कि एड्रेस क्या है, तो असली उत्तर तो यही है कि कहाँ बसते हो, परम में कि गरम में? अर्थ अर्थ तो ये नहीं है कि एक खास दिशा में मुंह करके देवताओं को जो चढ़ाया जाए सो अर्ध है। समझ में आ रही है बात? मन किस दिशा में है ये नहीं अंतर पड़ता कि तुम दक्षिण मुखी हो के कि पूरब मुखी हो के, ये सब सुना है ना? अंतर नहीं पड़ता कि तुम किस दिशा में हो। और बड़ा जोर रहता है कि सोते समय ये दिशा होनी चाहिए, मुर्दे की ये दिशा होनी चाहिए। कहने को ये भी कहा जाता है कि गुरु को हमेशा दक्षिण मूर्ति होना चाहिए, हमेशा दक्षिण की ओर मुंह करके बात करे। कहने गुरु को जो है स्पिरिचुअल नॉर्थ पोल माना गया है, तब वो नॉर्थ पोल है तो उसका मुंह हमेशा साउथ को होगा। तो ये है कि गुरु जब भी बात करे तो साउथ की ओर मुंह करके बात करे। बेकार की बात है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मुंह किधर को है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मन की दिशा क्या है, मन का मुंह किधर को है। आ रही बात समझ में? ये मत देखो कि किस दिशा सर करके सोते हो, देखते ही होंगे घर में जब बिस्तर लगाया जाता है इधर को है कि उधर को है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं कि किस दिशा मुंह करके आरती करनी है कि पूजा करनी है, ये दिशा बोले। अरे तुम्हारे मुंह की दिशा किधर है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे मन की दिशा किधर है ये देखो। मुंह की दिशा नहीं, मन की दिशा। क्या है अगला? अंतर प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए समान है। तो ये नहीं कि पांच बार जाके डुबकी लगा रहे हो और साबुन वाबुन से बड़ी सफाई कर ली, कि स्नान कर रहे हैं, कि वजू कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। मन को साफ करो, यही स्नान है। और इस पर तो खूब संतों ने कहा ही है। असल में हिंदुस्तान में शरीर को स्वच्छ रखने की बड़ी परंपरा रही है, बड़ी सफाई रखनी है। तो ऐसे ही लोगों को ये सब बातें कहनी पड़ती हैं। स्नान ये सब नहीं है कि भाई पूजा करनी है तो नहा धो रहे हैं और बिल्कुल मलमल के नहाना है। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नहाना नहीं है। कि देखो लिखा ही है कि नहाया मत करो, तो पूरा उपनिषद हो गया उससे सीखा क्या? नहाने में कुछ नहीं रखा है। अब यहां आए हो नहाने को, बड़े उत्सुक हो, नहाने जैसा आनंद, नहाओ नहलाओ। कभी दूसरा वाला स्नान भी कर लिया जाए, मन को नहलाया जाए। फिर ज़्यादा नहाने से ठंड लग जाती है।
जोर से पढ़ो ये वाला स्टेटमेंट फिर से। अंतर प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। अरे बात समझ में, भीतर रहो, उसी केंद्र पर बैठो, घूम घूम कर, बार बार कर, एक ही बात कही जा रही है, वही स्नान है। बुल्ले शाह क्या कह रहे थे, गंगा गयो ते मुगदी नाही, सौ सौ गोते खाइए, तुम सौ नहीं 500 गोते खा लो, गंगा ही गंदी करोगे, तुम नहीं साफ होगे गंगा जरूर गंदी हो जाएगी। अगला, सब जगह उसी की अनुभूति ही एकमात्र गंध है। एकमात्र गंध, हाँ, सुगंध बड़ी बढ़िया चीज है। सबसे जो हावी इंद्रिय होती है वो होती है आंख। सुगंध ऐसी चीज है जिसको आंख देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास लगातार होता रहता है। इसीलिए कई धार्मिक परंपराओं में सुगंध पे बहुत जोर है, कहा भी है वो सुगंध जैसा है। इस अर्थ में सुगंध जैसा है कि आंख को दिखाई नहीं देता, कान को सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी खुशबू बस है और ऐसे फैलती है कि पता भी नहीं चलता कि फैल गई। जो खुशबू का विज्ञान है वो यही है, जो मंदिरों मस्जिदों में खुशबू रहती है उसका अर्थ समझो वो यही है कि वो तुम्हें याद दिलाए। वो इसलिए नहीं है कि सुगंध बड़ी अच्छी थी तो वाह 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 वाह, वो याद दिलाने के लिए है। फिर से पढ़ो इसको एक बार। सब जगह उसी की अनुभूति ही एकमात्र गंध है। और किसी गंध की जरूरत नहीं है, न धूप जलाओ न बत्ती जलाओ, सर्वत्र उसकी अनुभूति हो रही है यही काफी है। बड़ी दिक्कत हो रही है, पूजा पाठ का पूरा जो एपरेटस होता है वो तो बेकार कर दिया, न नहाना है न अगरबत्ती जलानी है न अर्ध चढ़ाना है ना किसी आसन की जरूरत है, जरूरत ही नहीं कुछ करने की, सब मामला अंदर अंदर का है। आगे, अपने स्वयं के साक्षी स्वभाव में स्थिर हो जाना ही अक्षत है, जो कि बिना निखारा व बिना टूटा ही पूजा के लिए काम में लिया जाता है। अक्षत क्या होता है? तो अक्षत शब्द के आत्यंतिक अर्थ को लिया, अक्षत माने जो टूटा ना हो, का तुम टूटे ना रहो, यही अक्षत है। चावल नहीं अक्षत है, चावल टूटा है कि नहीं टूटा है ये बात महत्वहीन है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा मन टूटा है कि नहीं टूटा है। टूटा हुआ मन माने बटा हुआ मन, मन अक्षत रहे, चावल कहां से अक्षत हो गया, मन टूटा हुआ ना हो। फिर आगे, कौन से फूल हैं जो कि पूजा के लिए हो सकते हैं, चेतना से भरे होना है वे पुष्प हैं। तो कौन से फूल चढ़ाएं, अपने फूल चढ़ाओ, तुम ही फूल बन जाओ। इधर उधर से फूल चुन के लाए और चढ़ा दिए ये कोई बात नहीं हुई, अपना समर्पण करो। फूलों को क्या तोड़ तोड़, खुद को समर्पित करो। आदमी ने ये चाल खूब चली है,
खुद को समर्पित नहीं करना है तो फूल समर्पित कर दो, और चीज़ें समर्पित कर दो, रुपया पैसा समर्पित कर दो, मिठाई चढ़ा दो, कुर्बानी दे दो। मिठाई क्या चढ़ाते हो 2 रुपए की? कुर्बानी क्या देते हो किसी जीव जंतु की? हिम्मत है तो अपने आप को अर्पित करो ना। असली कुर्बानी अहंकार की कुर्बानी है, वो दे के दिखाओ, वो तुम करोगे नहीं, क्योंकि मन में चतुराई खूब है। फूल तोड़ लो, पेड़ काट दो, जानवर मार दो, ये तुम खूब कर लोगे। और अगर रुपया पैसा है तो रुपया पैसा चढ़ा दो कि फलाने भक्त आए थे, उन्होंने 1 लाख रुपए दान किए, ये सब तुम खूब कर लोगे। लेकिन जो असली काम है करने का वो कभी नहीं करोगे। क्या चढ़ाना है? फूल? फिर